नमस्ते, गोदरेज का मल्टीपर्पज़ लॉक है। आज मैं इसे सिखाऊंगा कि इसे कैसे असेंबल किया जाता है। देखिए, जिसे ड्रॉर लॉक कहते हैं, इस एक ड्रॉर में कैसे सेट होता है, गोदरेज कंपनी का, और ये बहुत ही अच्छा होता है। इसकी की आप इधर से चाहोगे उधर से लगा सकते हो, सॉफ्ट की होती है इसकी। देखिए, ओपन कर दिया मैंने, स्टील का कोडिंग किया हुआ रहता है। और ये की जो आप देख रहे हैं, दोनों साइड से लगा सकते हैं, तो देखने की जरूरत नहीं है कि किस साइड से डालें। इसके लिए पहले इसका मेजरमेंट करेंगे हम, कितना में हॉल करना है, उसके बाद इस मेजरमेंट में निशान ला कर हॉल करेंगे। और मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ लगभग 750 फुट के आसपास मेजरमेंट आता है। एम 750 फुट का निशान लगाएंगे। और ड्रॉअर के बीचों बीच इस साइड से बीचों बीच निशान लगाना। और इसके लिए मैं बीट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, 20 mm की बीट है, जिससे 20 mm की हॉल होगी और ये लॉक आराम से उसमें सेट हो पाएगा। और मैं हॉल करूँगा। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है, इसलिए मैं हॉल करता हूँ, नहीं दिखाऊंगा। मैंने पहले से हॉल कर रखा है, ये हॉल हो गया कंप्लीट। इसमें लॉक सेट करना है। कुछ इस प्रकार से सेट होगा। देखिए, मैं इसे सेट कर रहा हूँ। देखिए, इस प्रकार उसको अंदर से सेट करके उसमें पहले आप निशान लगा लें, कहाँ कहाँ स्क्रू का निशान लगा के। स्क्रू पर निशान लगाने के बाद उसे 764 के बीट से हॉल कर लें। निशान इधर उधर ना जाए, इसके लिए कांटी से थोड़ा ठोक लें ताकि ड्रिल करने में हम आसानी हो। सनमाइका का पेस्ट किया हुआ है, इसलिए लेमिनेट के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फिसल जाता है ड्रिल। और इसको सेट करके 19-6 का स्क्रू CSK हेड का से टाइट करना है। ये मैं इसे टाइट कर देता हूँ। ये 4 स्क्रूस में लगते हैं, इसे मैं टाइट कर देता हूँ। ये हमारा टाइट हो गया है। इसके ऊपर एक कवर आती है, कवर को इसके ऊपर लगा देना है। ये हमारा लॉक सेट हो चुका है, ड्रॉअर लॉक, मल्टीपर्पस लॉक अब जो है। ये देखिए, मैं चाबी घुसाया और ये रेडी हो गया। ओके, धन्यवाद।